इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एक स्कूल और स्मॉल ऑफिस का नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पब्लिक नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं वैन और वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि दो कंट्रीज़ आपस में मिलते हैं, दो स्टेट आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड है जो इंटरकनेक्टेड है आपस में, और ये ISP है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें इंटरनेट चाहिए हमारे स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए, तो हमें ISP को कांटेक्ट करना होता है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े ISPs हैं जिनसे हम इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम ISP से इंटरनेट सर्विस लेते हैं, तो वो लोग हमारे प्रीमाइसिस में एक मॉडेम कनेक्ट करके चले जाते हैं, और यहीं पे वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी टर्मिनेट कर देते हैं। अब इस मॉडेम से एक लैन केबल वो लोग आपके ऑफिस या फिर स्कूल नेटवर्क में छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो जो लैन केबल होता है, उस लैन केबल को फिर आपके जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें उसको कन्फिगर करना होता है। तब जाके आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है वो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। तो अब हम डिज़ाइन करेंगे प्राइवेट नेटवर्क। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी वैन राउटर, जो कि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो पब्लिक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करेगा। तो राउटर का मेन काम होता है कनेक्ट करना, तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो वो हमारे प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो जैसे ही हम वैन राउटर लेंगे, वो DHCP इनेबल्ड रहेगा। DHCP इनेबल्ड मीन्स ये ही राउटर हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी होस्ट होंगे उन्हें एक IP रेंज असाइन करेगा, जिससे कि वो उस राउटर को एक्सेस कर पाएंगे और बाकी इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके बीच की कनेक्टिविटी के लिए हमें इसके वैन पोर्ट में जो लैन केबल यहाँ से छोड़ा हुआ था, जो मॉडेम से ISP वालों ने हमें कनेक्टिविटी छोड़ी थी, उसको हमें वैन पोर्ट पे टर्मिनेट करना है। और इस वैन पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के बाद में, ये राउटर कॉन्फ़िगर करने के बाद में, वो हमें एक हमारे IP की लिस्ट देते हैं, जो पब्लिक IP होता है। वो पब्लिक IP आपको इस राउटर में कॉन्फ़िगर करना होता है। वो कॉन्फ़िगर करने के बाद में आप जो बाकी आपके नेटवर्क होस्ट रहेंगे, लाइक जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप, नेटवर्क प्रिंटर और IP फोन्स होंगे आपके ऑफिस या फिर आपके स्कूल नेटवर्क में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक नेटवर्क स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जो इस वैन राउटर के लैन पोर्ट से एक कनेक्टिविटी स्विच पे देनी पड़ेगी। जैसे ही हम ये पोर्ट से कनेक्टिविटी स्विच में देते हैं, स्विच के सारे पोर्ट ऑन हो जाते हैं, और फिर ये वाला जो पोर्ट है ये वैन से कनेक्टेड है। उसके बाद में जो हमारा, सपोज़ अगर हम लोग नेटवर्क में स्टोरेज सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, तो स्टोरेज सर्वर भी हम राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे डेस्कटॉप्स होंगे वो स्विच से कनेक्टेड रहेंगे। ये वाला पोर्ट हम जैसे इस डेस्कटॉप को कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ये वाला पोर्ट इसको, तीसरा पोर्ट इसको, और सपोज़ नेटवर्क प्रिंटर है मेरे नेटवर्क में, तो वो भी स्विच पे कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरा IP फ़ोन है तो वो भी स्विच से कनेक्टिविटी रहेगी। तो अगर इस डेस्कटॉप को कुछ भी डेटा इस सर्वर से लेना है, तो कनेक्टिविटी कैसे जाएगी? ये स्विच पे जाएगी, स्विच से राउटर पे जाएगी, और राउटर से फिर ये डेटा जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला जो डेस्कटॉप है, उसे अगर इसको कनेक्ट होना है तो वो यहीं से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क तैयार होता है। और अगर इस डेस्कटॉप को इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे कि google.com या कोई भी वेबसाइट अगर इसे ओपन करनी है, तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी स्विच के पास, स्विच से राउटर, राउटर से मॉडेम, मॉडेम से फिर वो ISP के DNS को कनेक्ट होगा, और फिर वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं थ्रू वैन राउटर, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क।
तो वैसे ही अभी आपके नेटवर्क में अगर कोई लैपटॉप है, इसे वाईफाई एक्सेस करना होगा, तो ये जो वैन राउटर के जो एंटीनास दिख रहे हैं, ये वाईफाई जनरेट करेंगे, वाईफाई के सिग्नल्स जो रेडियो सिग्नल्स है वो जनरेट करेंगे, और फिर लैपटॉप उन रेडियो सिग्नल्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क रेडी होता है आपके स्कूल के लिए या फिर आपके स्मॉल ऑफिस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।